नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं नाम ऋषि। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सहारा रिफंड पोर्टल के बारे में। दोस्तों, अगर आपने जो है सहारा इंडिया में पैसा लगाया था, अपना सहारा इंडिया में निवेश किया था, कोई भी बॉन्ड यहाँ पे खरीदा था और आप लोग का यहाँ पे जो मैच्योरिटी है वहाँ पे पूरा हो चुका था, लेकिन आप लोग का जो पैसा है वो आपको नहीं मिला था, यानी कि आपका जो पैसा है वो सहारा में यहाँ पे फंस गया था, तो अभी जो है सरकार की तरफ से आप लोग का एक नया पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया गया है और जिन भी लोगों का यहाँ पे जो है सहारा में पैसा फंसा हुआ है उनका जो पैसा है वहाँ पे वापस किया जा रहा है। इसके लिए आप लोग को यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करना होगा और आप लोग का ऑनलाइन आवेदन लेने के बाद कुछ दिन के बाद आप लोग का जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में यहाँ पे जो है वापस कर दिया जाएगा। सरकार ने इसकी जो शुरुआत है वो कल से यहाँ पे कर दिया है, यानी कि कल से आप लोग का जो ऑनलाइन आवेदन है वहाँ पे चालू कर दिया गया है। तो जितने भी लोगों का यहाँ पे जो सहारा इंडिया में पैसा फंसा हुआ था उनके लिए बड़ी खुशखबरी है कि अभी आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कहां से आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई करना है, किस तरीके से आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई करना है, किनका किनका यहाँ पे जो पैसा है वो यहाँ पे वापस होने वाला है, सब कुछ मैं आप लोग को यहाँ पे डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इनसे रेड कलर फॉर्म ब्लॉक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को जितना उसको शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज के वीडियो। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि किनको जो यहाँ पे पैसा है वहाँ पे वापस मिलने वाला है और किस तरीके से पैसा यहाँ पे वापस मिलने वाला है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, जो नया पोर्टल यहाँ पे आप लोग का लॉन्च किया गया है यहाँ पे देख पाऊंगे, केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल यहां पे आप लोगों का लॉन्च किया गया है, यानी कि एक जो है सहारा रिफंड पोर्टल करके जो है आप लोगों का लॉन्च कर दिया गया है और इस पोर्टल पे सबसे पहले आप लोगों को आना होगा। इसका लिंक आपको कहां मिलेगा, तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपने गूगल में लिखना है YTRC। आप यहां पे जो YTRC देख रहे हैं ये आपको अपने गूगल में लिखना है। सबसे पहला जो लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके आपको इस वेबसाइट पर चले आना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है, यहां पर लेटेस्ट अपडेट का आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा, यहां पर देख पाओगे सहारा रिफंड पोर्टल लिंक यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है 2023, तो यहां पर आपको क्लिक करना है। नहीं मिलता है तो यहां पर डायरेक्टली जो है सर्च का जो ऑप्शन है इसमें जो है सहारा लिखकर आप जो यहाँ पे सर्च कीजिएगा, कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पे जो है देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख पाओगे सहारा रिफंड पोर्टल लिंक यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। कुछ इस तरीके से वेबसाइट ओपन होगा, इसका डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट में मिल जाएगा, तो वहां से डायरेक्टली क्लिक करके भी आप जो है इस पोर्टल पर आ सकते हैं। फिर आपको नीचे करना है, यहाँ पर मैंने आप लोगों को पूरा जानकारी दे रखा है। यहाँ पे देखिए आप लोग का जो है 18 जुलाई को यहाँ पे जो पोर्टल है वो आप लोग यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया है और ये जो पोर्टल है वो आप लोग का जितना भी रिफंड है सहारा का उसको देने के लिए यहाँ पे जो है लॉन्च किया गया है। नीचे की जगह तो यहाँ पे आप लोगों को जानकारी दिया गया कि आप लोगों का जो है 5,000 करोड़ रुपया जो है वो आप लोगों का रिफंडिंग के तौर पे यहाँ पे जो है जारी किया गया है सरकार की तरफ से और इतना पैसा जो है यहाँ पे डिपॉजिटर होंगे, यानी कि जिन्होंने यहाँ पे जमा किया है उनको यहाँ पे वापस किया जाने वाला है। तो ये जो है आप लोगों का यहाँ पे प्रोसेस रहने वाला है। फिर नीचे आएगा तो यहाँ पे बहुत सारा जानकारी है, आपको सबसे नीचे आना है, यहाँ पे इंपोर्टेंट लिंक का ऑप्शन है, यहाँ पे फॉर ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है, क्लिक करके आप क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्टली जो है ऑनलाइन अप्लाई का आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन का पेज है वो आप लोगों का कुछ इस तरीके से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जो है ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिलता है, क्लिक करके आप क्लिक कीजिएगा तो जो ऑफिशियल वेबसाइट आप लोग यहाँ पे लॉन्च किया गया है सहारा रिफंड पोर्टल वो आप लोगों का ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे किनको किनको पैसा मिलने वाला है ये जानने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे सामान्य प्रश्न का एक ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है तो एक जो PDF है वो आप लोग यहाँ पे ओपन होगा। यहाँ पे जो भी सवाल है आप लोग का है, सारे सवाल का यहाँ पे जो जवाब है वो आप लोग यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखिए आप लोग का कुछ इस तरीके से जो PDF है वो यहाँ पे ओपन होगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप लोग को बताया गया कि CRC सहारा रिफंड पोर्टल क्या है, तो उसके बारे में आप लोग का जानकारी दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है आप लोग का आदेश दिया गया था पैसा वापस करने के लिए, तो इसलिए जो है इस पोर्टल को आप लोग का बनाया गया है। यहाँ पे आप लोग को बताया गया कि क्या CRCS जो आप लोगों का सहारा रिफंड पोर्टल है वो सुरक्षित है, तो यहां पे आप लोगों को बताएगा कि जी हां ये जो है आप लोगों का सुरक्षित है। फिर आप नीचे की जगह तो यहां पे आप लोगों को बताएगा कि किनको किनको यहां पे जो पैसा वहां पे रिफंड किया जाने वाला है, तो यहां पे आप लोगों को जानकारी दिया गया है CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से रिफंड के लिए कौन पात्र हैं। तो यहां पे आप लोगों को जानकारी दिया गया है कि निम्नलिखित 4 सोसाइटी के वास्तविक और वैध जमाकर्ता CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से रिफंड के लिए पात्र हैं। तो सबसे पहले यहां पे आप लोगों को यह समझना है दोस्तों कि यहां पे जो सहारा में आप लोगों का पैसा लगता था वो अलग-अलग सोसाइटी में आप लोगों पे पैसा लगता था, तो यहां पे जो है अलग-अलग सोसाइटी में आप लोगों का जो यहां पे पैसा है वो जमा किया जाता था। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपका जो किस सोसाइटी में जो पैसा है वो यहां पे जमा हुआ है, यानी कि अलग-अलग जो कंपनी है उसमें आप लोगों का यहां पे पैसा लगता था, तो वो सबसे पहले आप लोगों को वहां पे चेक करना है। अब यहां पे जो है चार आप लोगों का नाम जो है सेलेक्ट किया गया है कि चार कंपनी में अगर आप लोगों का पैसा लगा हुआ है तो वो आप लोगों को यहां पे वापस किया जाएगा और अगर आपने उसी कंपनी में पैसा लगाया है तो ही आप लोगों का जो पैसा है उसके लिए आप यहां पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पे देखिए कौन-कौन सा कंपनी है, तो सबसे पहले बताया गया कि हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर आप लोगों ने पैसा लगाया है तो आप लोगों का पैसा यहां पे वापस किया जाएगा, आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बी सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में अगर आप लोगों ने पैसा लगाया है लखनऊ में तो आप लोगों का जो पैसा है वहां पे वापस किया जाएगा। फिर सी सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड में अगर आप लोगों ने पैसा लगाया है तो आप लोगों का जो पैसा है वहां पे वापस किया जाएगा। डी स्टार्ट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में अगर आप लोगों ने पैसा लगाया है तो आप लोगों का पैसा यहां पे वापस किया जाएगा, यानी कि इन चार कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर आप लोगों ने पैसा लगाया है तो आप लोगों का पैसा यहां पे वापस
आपका होने वाला है तो आप यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आप लोगों का और भी जानकारी है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों का क्या क्या जानकारी दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे देखिए आप लोगों का जानकारी दिया गया है कि सीआरसीएस रिफंड पोर्टल पर दावा दायर करने के लिए पात्रता मापदंड क्या है। दावा अनुरोध दाखिल करने के लिए जमाकर्ता द्वारा निम्नलिखित तिथियों से पहले पैसा जमा किया गया होना चाहिए और बकाया राशि जो है प्रायः होनी चाहिए। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आप लोग का जो पैसा है वो यहाँ पे जो है जो डेट दिया गया है 22 मार्च 2022 उससे पहले आप लोग जमा होना चाहिए, तभी आप लोग जो है पैसा मिलने वाला है। इस बात का भी आप लोग वहां पे ध्यान रखना है। साथ में ये जो आप लोग का सोसाइटी है इन सभी सोसाइटी में आप लोग का पैसा लगा हुआ है तो ही आप लोग वहां पे जो पैसा वहां पे मिलने वाला है। यहां पे बताया गया कि 29 मार्च 2023 के लिए ए स्टार्ट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद, यानी कि 29 मार्च 2023 के बाद भी अगर आप लोग का पैसा लगा हुआ है तो भी आप लोग वहां पे जो है ए स्टार्ट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इसमें अगर आप लोगों ने पैसा लगाया तो आप लोग का पैसा यहां पे वापस कर दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरीके से जानकारी दिया गया है, आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं। और भी बहुत सारा जानकारी है जिससे कि आप जानकारी दिया गया, देखिए आप लोगों का बताया गया है यदि कुल दावा राशि जो है रुपया है तो पैन नंबर अनिवार्य होगा। यानी कि अगर आप लोगों का 50,000 से रुपया ज्यादा रहता है, आप लोगों का पैसा रिफंड जो है वो ज्यादा रहता है तो आप लोग वहाँ पे जो है पैन कार्ड लगाना होगा, इस बात का भी आप लोग वहाँ पे ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आप लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है, तो उसके लिए आप जो डायरेक्टली इस पोर्टल पे फॉर ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है क्लिक पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो इसी वेबसाइट पे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा जमाकर्ता पंजीकरण, इस पे आप क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से वेबसाइट यहाँ पे ओपन होगा। यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है, आधार नंबर से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर डालना है, ये कैप्चा डालना है, ओटीपी प्राप्त करने पर क्लिक करना है तो आप लोग के मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को डालकर आगे आप लोग का जो फॉर्म है उसको आप लोग को प्रोसेस करना है। मेरे पास जो है किसी का भी यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए नहीं है इसलिए मैं आप लोग को जो फॉर्म भर के नहीं दिखा रहा हूँ। अगर किसी का डिटेल आता है तो मैं आप लोग स्टेप बाय स्टेप जो फॉर्म का वीडियो है वो भी आप लोगों को बनाकर दिखा दूंगा। तो इस तरीके से यहां पे जो आप लोगों का पोर्टल लॉन्च किया गया, तो आशा करते हैं दोस्तों कि हमने आपको यहां पे जानकारी दे दी है कि सहारा इंडिया में अगर आप लोगों का पैसा फंसा हुआ है तो किस तरीके से आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन करना है, कहां से आप लोगों को फॉर्म भरना है, सारा जानकारी मैंने आप लोगों को यहां पे दे दिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब के लिए धन्यवाद।